जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और अभी आप देख सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे, क्या नया अपडेट निकल कर सामने आया है। हाल ही में कंपनी के क्वार्टर थ्री के नंबर अभी आए हैं, उस नंबर के बारे में जानेंगे। इस नंबर के बेसिस पर आने वाला समय में कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ तक जा सकता है उसका अनुमान लगाएंगे। और साथ में बजट में इस जो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर निर्मला सीतारमण यानी कि जो हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कौन सी बातें कही हैं जिसका असर आने वाले समय में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ सकता है और उसको लेकर कंपनियों के शेयर प्राइस में उथल पुथल हो सकते हैं या यूं कहें कि शेयर प्राइस और ऊपर जा सकता है। इन सभी मुद्दों को विस्तार से इस वीडियो में समझेंगे। आसान भाषा में कहें तो आपको बताऊंगा ट्राइडेंट लिमिटेड का शेयर प्राइस आने वाले कुछ ही समय के अंदर कहां है और कहां से कहां तक जाते हो आपको दिख सकता है। तो शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से और आप देख सकते हैं कि ट्राइडेंट लिमिटेड की यदि बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस 33.5 रुपये के आसपास चल रहा है और आज के दिन देखेंगे तो तकरीबन 1.5% के आसपास इसमें तेजी देखने को मिली है। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो पिछले 6 मंथ में इसमें कोई रिटर्न देखने को नहीं मिला है। पिछले 6 मंथ में आप देखेंगे तो स्टॉक ज़्यादातर नीचे की तरफ ही आया है। हालांकि पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है लेकिन अब वो दिन दूर होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 1 मंथ में भी देखेंगे तो तकरीबन 3% के आसपास से स्टॉक टूटा है लेकिन पिछले 1 सप्ताह से देखेंगे तो अब स्टॉक चढ़ना शुरू कर दिया और पिछले 1 सप्ताह में स्टॉक तकरीबन 4% के आसपास दौड़ा है यानी कि ऊपर की तरफ इसका प्राइस गया। आप देख सकते हैं कैसे प्राइस यहाँ तक तो एकदम धीरे धीरे आ रहा था लेकिन इसके बाद से जो बढ़ना शुरू हुआ है उसके बाद से स्टॉक का प्राइस बढ़ते जा रहा है। और अभी जैसे मैं बताया अभी क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं और उसके बाद जो बजट में वित्त मंत्री ने बातें की उसको लेकर अब शेयर प्राइस और धीरे धीरे ऊपर ही जाएगा। ये तो हो गया 1 सप्ताह के बाद, 1 सप्ताह में इतना तेजी देखने को मिला और 1 दिन में जैसे मैंने बताया कि तकरीबन 1.5% की तेजी 1 दिन में देखने को मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह ट्राइडेंट कंपनी। आपको ट्राइडेंट के काम के बारे में तो अच्छे तरीके से पता होगा। ट्राइडेंट एक टेक्सटाइल सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है जैसे मैंने शुरू में ही बताया। और आप देखेंगे तो ये जो कंपनी है यार्न, बाथ लाइन, बेड लाइन, फैब्रिक, जीन्स, ये सब जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट होते हैं उनसे जुड़ी हुई कंपनियाँ काम करती है, सामान बनाती है, उसको इंपोर्ट होता है एक्सपोर्ट भी करने का काम करती है। ट्राइडेंट लिमिटेड का मार्केट कैप काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। ट्राइडेंट लिमिटेड का मार्केट कैप धीरे धीरे इसमें सुधार होते हुए दिख रहा है। अभी 17,000 करोड़ से अधिक का इस कंपनी का मार्केट कैप हो गया है और शेयर प्राइस जैसे मैंने बताया 33 रुपये के आसपास चल रहा है। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कंपनी का जो साल भर का ही है तकरीबन 65 रुपये के आसपास है लेकिन उसके बाद से प्राइस डाउन जाने लगा और उसके बाद डाउन जाने के बाद इतने समय तक आप देखेंगे कंसोलिडेट किया है। ये मंथ है आपको बताया जुलाई से लेकर, जुलाई 2022 से लेकर अभी आप देखेंगे तो जनवरी तक तकरीबन कंसोलिडेशन रेंज में ही इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा है लेकिन अब इसका प्राइस ऊपर की तरफ जाते दिख रहा है। और इसके पीछे वजह है कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं और साथ में जो यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने जो बातें कही हैं टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर उसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी ही आएगी। एक नजर हम लोग डालते हैं कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं यानी कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कंपनी के जो क्वार्टर थ्री के नंबर आए हैं यानी कि जो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया है उसमें कैसे इस कंपनी का सेल्स बढ़ा है। सेल्स बढ़कर हो गया 1641 करोड़ रुपये के आसपास जो कि पिछले क्वार्टर में यानी सितंबर क्वार्टर रिजल्ट में देखेंगे तो सिर्फ 3438 करोड़ रुपये के आसपास था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ 1431 करोड़ रुपये से बढ़कर कंपनी का सेल्स हुआ 1641 करोड़ हो गया और जब सेल्स बढ़ा है उसी के बदौलत कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखा तकरीबन 144 करोड़ के आसपास हो गया। ये 144 करोड़ कहने का मतलब ये हुआ कि 3 डिजिट में इस बार कंपनी का प्रॉफिट पहुँच गया जो कि पहले सिर्फ 2 डिजिट में हुआ करता था। आप देख सकते हैं कि जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 37 करोड़ रुपये के आसपास था, 37 करोड़ से बढ़कर 144 करोड़ हो गए। काफ़ी सही बात है, अच्छी बात है। इससे क्या होगा कंपनी का जो फंडामेंटल है फंडामेंटल मजबूत होगा और जब फंडामेंटल मजबूत होगा तो शेयर प्राइस में आज नहीं तो कल तेजी आएगी ही आएगी, ये बात आप मानकर चलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर बजट में कुछ बातें कही गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी लाने के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया है। जैसे आपको पता है कोरोना काल में हुआ यह था कि टेक्सटाइल सेक्टर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली थी और टेक्सटाइल सेक्टर में जो गिरावट आ रही थी तो उसकी भरपाई अभी तक लगभग नहीं ही की जा सकी है, इसलिए उस नुकसान की भरपाई की जा सके इसलिए जो हमारे देश के वित्त मंत्री हैं उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर जितनी भी कंपनियां चाहे वो ट्राइडेंट लिमिटेड हो या दूसरी जो टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर काम करने वाली कंपनी है उसमें तेजी लाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि जो रॉ मटेरियल्स है उसमें 80% तक उनका जो कॉस्ट है उसको डाउन कर दिया है ताकि कंपनियां अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके और जो कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तभी ज्यादा माल का उत्पादन किया जा सकेगा, सामान बनाया जा सकेगा और फिर उसको विदेशों तक में इंपोर्ट और या फिर एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए कि सरकार जो है टेक्सटाइल सेक्टर में तेजी लाने के लिए प्रतिबद्ध है और उसको लेकर सरकार इसमें काम भी करते हुए अच्छे से दिख रही है क्योंकि सरकार का कहना है कि भारत को आने वाले समय में टेक्सटाइल सेक्टर में भारत को टेक्सटाइल सेक्टर का हब बनाना है। अभी पता है आपको कि बांग्लादेश भारत से टेक्सटाइल के मामले में आगे निकल गया है लेकिन इस टेक्सटाइल के सेक्टर में इंडिया को नंबर 1 बनाना है, इसलिए सरकार टेक्सटाइल सेक्टर में किसी भी तरीके से करके तेजी लाने के लिए अपना चाहे उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़े या सरकार को टैक्सेस कम करने पड़े ताकि टेक्सटाइल सेक्टर में कमी लाई जा सके, सरकार वो सभी कामें कर रही है। और आपको पता है कि ये जो ट्राइडेंट लिमिटेड कंपनी है वो टेक्सटाइल सेक्टर
की जितने भी कंपनियां उसमें तो सबसे कम नहीं, लेकिन फिर भी इसका प्राइस कोई उतना भी ज़्यादा नहीं है और मार्केट के भी काफ़ी बड़ा है तथा फंडामेंटली भी ये कंपनी स्ट्रॉन्ग है। इसलिए ट्राइडेंट लिमिटेड जब हम टेक्सटाइल सेक्टर की बात करते हैं तो इसको ध्यान में रखना, इसमें इन्वेस्टमेंट करना, इसके बारे में बातें करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ट्राइडेंट के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई कन्फ्यूजन है, सवाल है तो हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।